सुपरमार्केट शॉप आज के जमाने में बहुत फेमस हो चुका है इंडिया में। इसका लॉजिक है डीमार्ट। यहाँ पे मार्किंग आपको करके बताया हूँ। एक समय बिग बाजार किंग था, बट कोविड ने बिग बाजार के, बोलते ना, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, और उनका भाड़ा इतना बढ़ गया था कि करीबन बोलते ना लॉस में ही थे वो लोग। फिर उन्होंने बेचा बिग बाजार को रिलायंस को, लेकिन अमेजन ने टांग अड़ा दिया डील में, तो वो डील अटक गया और रातों रात फिर बाद में वो डील कैंसिल हो गया। बिग बाजार ने, रिलायंस ने जो बिग बाजार के जगह भाड़े पे थे, अभी तो भाड़ा दे नहीं पा रहे थे लॉस में, तो रिलायंस ने टेक ओवर कर लिया वो जगह। लॉजिक समझ में आया? तो आपको बिग बाजार की जगह पे अभी रिलायंस स्मार्ट दिख रहा होगा। बिग बाजार एक प्रकार का ब्रांड खत्म हो गया, लेकिन जिसने रेवोल्यूशन लाया सुपरमार्केट में, मैं पूरा कंसेप्ट बताऊंगा सुपरमार्केट क्या है, वो बिग बाजार, किशोर बियानी। उन्होंने इतना सक्सेसफुल कर दिया इसको कि लोग जानने लगे, और उनका 26 जनवरी के सेल में तो लाइन लगती थी। अब उसके जगह पर डीमार्ट ने क्या किया जो सक्सेसफुल हुआ, वो सब मैं बताऊंगा। आया समझ में? तो सुपरमार्केट होता क्या है? पहली बात, ये लार्ज स्केल रिटेल ऑर्गेनाइजेशन है। ये ज्यादातर फूड और ग्रॉसरी में डील करते हैं, और इनका सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स है सेल्फ सर्विस। सेल्फ सर्विस, आप जाओ, पार्ले जी का पैकेट है वहां निकालो, ट्रॉली में डालो और आगे बढ़ो। वहां आपको सेल्स एग्जीक्यूटिव नहीं मिलेगा। कॉन्ट्रास्ट में, डिपार्टमेंटल स्टोर में आप जीन्स के सेक्शन में जाते हो तो वहां पे एक सेल्समैन होगा जो आपको गाइड करेगा कि ये फिटिंग अच्छा, या ये कलर अच्छा, या आपको टाइप अच्छा। इन सुपरमार्केट सेल्समैन लगभग नहीं होंगे, होंगे तो स्टॉक भरने के लिए, बिलिंग के लिए, वैसे टाइप के लिए होंगे। आपको खुद ही सेल्फ सर्विस है, इसलिए सस्ता पड़ता है उनको। आया समझ में? इसका डेवलपमेंट क्यों हुआ? किराना शॉप हर जगह पे रहते हैं, लेकिन किराना शॉप लगभग आपको डिस्काउंट नहीं देंगे, और मानते हैं होम डिलीवरी देंगे, पर किराना शॉप रहता है छोटा। आपको साबुन के वैरायटी चाहिए तो वो लोग के पास होंगे 4-5, लेकिन सुपरमार्केट में मिलेगा 15-20। हर चीज में वैरायटी ज्यादा, और सबसे इंपॉर्टेंट सक्सेस होने का कारण सुपरमार्केट का प्राइसिंग। अभी सपोजेडली आपको एक पार्ले जी का पैकेट लेना है, वो दिन में जा रहा था तो फ्रंट में ही लगाया हुआ था, 100 रुपए का पैकेट 80 रुपए में दे रहे थे। किराना शॉप 20% डिस्काउंट कभी नहीं देगा आपको। तुमने मांगा तो 90 देगा, नहीं मांगा तो 100 रुपए लगाएगा बिल में। पहली बात तो सुपरमार्केट एक लार्ज स्केल स्टोर है जो कंज्यूमर गुड्स रखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कम रखते हैं, छोटे मोटे आर्टिकल्स और मेन हाउस होल्ड रिक्वायरमेंट ये लोग पूरा करते हैं। मतलब आपको किराना से लेकर छोटे मोटे बैटरीज, स्टेशनरीज, रेफ्रिजरेशन का बटर, ये कपड़े, मतलब घरगुती आपको सब वस्तु मिल जाएगा। तो फीचर्स ऑफ सुपरमार्केट क्या है? ये लोग कोशिश करते हैं सेंट्रल लोकेशन में आए, जैसे कि मुंबई में अंधेरी में एक होगा, घाटकोपर में एक होगा, थाने में एक होगा। आया समझ में? हर सिटी में पहले क्या होता था, छोटा सिटी था तो एक, अभी इतना कंपटीशन बढ़ गया है। अच्छा, बिग बाजार आने से पहले एक सुभिक्षा करके था, वो बंद हो गया। इजी डे मॉल था, वो बंद हो गया। एक विशाल मेगा मार्ट था, वो बंद हो गया। मतलब बहुत सारे सुपरमार्केट ने ट्राई किया था बिजनेस करने का। अब इजी डे मॉल बहुत अच्छा था, बिग बाजार से भी बेहतर था, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि उसका कॉस्ट रेंट का इतना ज्यादा था, वो सस्टेन नहीं कर पाया। सुभिक्षा पर पुराने दवाई या कोई इल्जाम लगा, वो भी बंद हो गया। विशाल मेगा मार्ट भी अच्छा था, लेकिन वो भी टिक नहीं पाया। बहुत साल बिग बाजार टिका, और जब डीमार्ट आया तो डीमार्ट ने पूरा सक्सेसफुल किया। अब डीमार्ट क्या है? दमानिया। दमानिया एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसके नाम पर डी आया है, ठीक है। सो ये लोग जब भी ओपन करते हैं स्टोर, ये लोग सेंट्रल लोकेशन देखते हैं, वहां पे इनके स्टोर्स ओपन होते हैं, ठीक है, जहां पे लोग आसानी से आ सके। लग्जरी ये लोग रखते नहीं है, क्योंकि लग्जरी आपको चाहिए तो डिपार्टमेंटल पे जाओ, घरगुती सामान आपको मिलेगा,
आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलेगा, आपको जो वैरायटी चाहिए वो आपको मिलेगा। ऐसा कभी नहीं होगा या चांसेस बहुत कम है कि आप खाली हाथ जा रहे हो, वहां पे जाओगे तो आपको जो चीज चाहिए लगभग मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि घरगुती में फूड, ग्रेन्स, टिंड, बेकरी प्रोडक्ट्स, ग्रॉसरी, स्टेशनरी, क्लोथ्स, ठीक है, सब ये लोग रेफ्रिजरेटेड के आइटम्स, आइसक्रीम, ये लोग सब रखेंगे, मसाले, फूड प्रोडक्ट्स जो भी है, ब्रांडेड, नॉन ब्रांडेड, बोलते ना क्लीनिंग का डिटर्जेंट, ये सब रखेंगे वो लोग सामान। और सबसे इम्पोर्टेंट है सेल्फ सर्विस। क्यों? क्योंकि सेल्समैन रखा तो दाम बढ़ता है, फिर ये लोग डिस्काउंट नहीं दे पाएंगे। इन लोग शेल्फ में लगा के रखते हैं, प्राइजिंग लगा के रखते हैं। आप ट्रॉली लेकर घूमो, प्राइजिंग लिखा हुआ है, MRP 80 रुपीज, 65 में दे रहे, आपको पसंद है तो उठा लो, नहीं पसंद है तो आगे बढ़ जाओ, कोई पूछेगा नहीं। इनफैक्ट इंडिया में तो बिलिंग सेक्शन में लोग रहते हैं, फॉरेन में आपने खरीदा, बिलिंग सेक्शन में वो अपने आप स्कैन करेगा और अपने आप बाहर निकलो, वहां पे तो आपको कैशियर भी नहीं मिलने, एक हाथ दो आदमी मिलेंगे अंदर हेल्प करने के लिए। यहाँ पे तो बाकायदा कैशियर रहते हैं, आपका सामान ट्रॉली में डालने के लिए रहते हैं। फॉरेन में आपको सस्ते टाइप के चाहिए तो आप जाओगे, लगभग कोई रहेगा नहीं, कैमरा सर्वेलेंस रहेगा, और इतने एडवांस स्टोर आ चुके हैं कि जब आप ट्रॉली में डालते हो अपने आप वो बिलिंग में जाता है, और जब बिलिंग काउंटर में जाते हैं वो सब जो ट्रॉली में आपने डाला हुआ है कैमरा ने ट्रैक करके QR कोड से डाल दिया है, बस अब वहां जाकर कार्ड डाल के तुरंत पे करो, बाहर निकलो। यहाँ पे कैसे होता है, आपने 20 वस्तु रखा, साबुन और बिस्किट और डिटर्जेंट, वो एक एक करके निकालेगा, स्कैन करेगा। एडवांस स्टोर्स में वॉलमार्ट और ये सब जो खुल रहे हैं उन लोग में वो ऑटोमेटिक कैमरा स्कैन करेगा, देखेगा, वही की वही बिल हो जाएगा। जब आप जा रहे होंगे बाहर, वहां कार्ड से पे करो और बिल पेमेंट हो जाएगा उनको और आप निकल जाओगे, मतलब कैशियर की जरूरत पड़ती नहीं है। प्राइस रीजनेबल रहेंगे, क्यों? सेल्स एग्जीक्यूटिव नहीं है, कैशियर जितने हैं जो बिल के लिए, बाकी तो सिर्फ सामान रखने के लिए और दूसरा कोई नहीं है। हाँ, कैपिटल ज्यादा लगेगा क्योंकि ये लोग बहुत बड़ी जगह लेते हैं, स्टॉक भरते हैं, कैशियर रखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, रेफ्रिजरेशन टाइप रखते हैं, तो काफी इन लोग को स्टॉक करना पड़ता है। ये लोग कोई उधारी नहीं देते, कैश में डील करते हैं, कैश मतलब कैश, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, ये सब में डील करते हैं लोग। अट्रैक्टिव पैकेजिंग, अभी इफ यू चेकआउट, ये लोग क्वांटिटी, क्वालिटी, प्राइस, वेट, कंटेंट सब क्लियरिटी में, और वैसे भी इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट के पैकेजिंग में सब देना ही पड़ता है। आया समझ में? पैकेजिंग अब कैसे होता है, प्राइसिंग में जो इनका था, बिग बाजार क्या करता था, 26 जनवरी के दिन का सेल, 15 अगस्त, तो ये दिन, बाकी दिन 100 लोग आएंगे तो 26 जनवरी को 10,000 लोग आएंगे, तो वो 4-5 दिन और 15 अगस्त के 3-4 दिन गर्दी बहुत हो जाती थी। डीमार्ट ने क्या स्ट्रेटेजी अपनाया, 15 अगस्त, 26 जनवरी का स्पेसिफिक डे रखते नहीं है, हर रोज डिस्काउंट रहता है उनका, तो आप कोई भी दिन जाओ आपको बेस्ट प्राइसिंग मिलता है। स्पेसिफिक डेज में क्या होता है, 10,000 लोग 26 जनवरी को आएंगे, 27 जनवरी को कोई भी नहीं आएगा, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, एवरीडे प्राइसिंग अच्छा है तो एवरीडे गर्दी रहती है। और लास्ट में इम्पल्सिव बाइंग, ये क्या होता है, आप जाते हो सोचते हो भाई मैं आज कपड़े खरीदूंगा, जैसे जाते हैं वहां पे आपको बिस्किट दिखा डिस्काउंट में, और बोलते ना बाय वन गेट वन फ्री दिखा, तो आप इम्पल्सिव बाइंग करते हो, मतलब जो चीज आपने सोचा नहीं है वो भी बाइंग करते हो, क्योंकि पैकेजिंग अट्रैक्टिव है, उससे ज़्यादा प्राइसिंग अट्रैक्टिव है। और ऐसे भी होता है कि जब आप देखते हो 25% डिस्काउंट, ये तो बहुत बढ़िया है, आप सोचते हो ये भविष्य, अब क्या बोलते हैं उसको, हम लोग वो दिन गए थे आइसक्रीम फालूदा मिक्स बाय वन गेट वन फ्री, अच्छा उसके पहले गए तो उसमें 40-50% कुछ तो ऑफ था, लेकिन उस दिन बाय वन गेट वन का ऑफर दे दिया उन्होंने, ऑफकोर्स बात तो वही है, लेकिन जब ऐसे ऑफर आते तुम सोचते भाई फ्यूचर में ना आए तो अभी ले लेते हैं, तो कई बार लोग जो नहीं सोचते हैं वो भी खरीद लेते हैं, जिसको इम्पल्सिव बाइंग बोलते हैं, और ये सुपरमार्केट में अक्सर होता है। आया समझ में? तो बेस्ट एग्जांपल कौन सा है, डीमार्ट ले लो, एक समय का बिग बाजार ले लो, ये काफी, रिलायंस फ्रेश ले लो, लेकिन वो भी इतना नहीं है, अभी रिलायंस फ्रेश दिखता भी नहीं है, रिलायंस स्मार्ट कर दिया उन्होंने, स्मार्ट बाजार, एक्चुअली एक जमाने में रिलायंस फ्रेश वेजिटेबल्स के लिए था, ठीक है, अभी उन्होंने बंद कर दिया, अभी वो सब आपको रिलायंस स्मार्ट में ही मिलना है। आया समझ में? सो ये था आपका सुपरमार्केट का एग्जांपल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।